दिवसीय योग कार्यशाला के माध्यम से हम आप सबके भीतर योग के महत्व को समझाते हुए, योग के ताकत को हम बताते हुए आप सभी को राष्ट्र के लिए, भारत के लिए, अपने लिए और अपने परिवार के लिए भी हम बढ़िया से सेवा दे सके, उसके लिए हम तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी हम लोग प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। किसका अभ्यास करेंगे? दाहिने हाथ को उठा लीजिए। अब इसका नाम याद कर लीजिए। बोलिए, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठ, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठ। याद हो गया? अब देखिए, हम लोगों का शरीर और पूरा ब्रह्मांड पंच तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, समझ गए? तो पांचों अंगुलियां पांच तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो अब ये बड़ी अंगुली है ना, बीच वाली, पकड़िए इसको। तो पकड़ लिए तो छोड़िएगा नहीं इसको। और जैसा हम बोलेंगे, सुनो बाबू, ये बीच की जो अंगुली है ये आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। किस तत्व का? उससे छोटी कौन अंगुली है? कौन? अनामिका। तो ये है पृथ्वी तत्व का। कौन से तत्व का? इससे कौन छोटी अंगुली है? तर्जनी। ये है वायु तत्व का। कौन से तत्व का? अब इससे छोटी अंगुली है कनिष्ठ। ये है जल तत्व का। बोले जल, अभी ये से छोटा है ना ये आपका अंगूठा। तो ये है कौन से तत्व बच गया? अग्नि तत्व। अब बोलिए, अंगूठा पकड़िए, अग्नि, वायु, जल, जल है ये, याद करो बाबू ने ऐसे। बोलिए, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, याद हो गया? फिर से बोलिए, बोलिए, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, याद हो गया? बहुत अच्छा। अब पांच अंगुली, पांच तत्व और पांचों अंगुली और तत्व को मिलाकर के अलग अलग मुद्रा बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्रा है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए ध्यान मुद्रा सबसे लाभकारी है। तो आइए, तर्जनी को मोड़ लेते हैं। अब ये तर्जनी का जो अग्रभाग है ये अंगुष्ठ के मूल में सटाते हैं, तो ये वायु मुद्रा बन गया। कौन सा मुद्रा? बहुत अच्छा। अब ये बायां हथेली का अंगूठा और तर्जनी को मिलाकर बाकी तीनों उंगली को सीधा करके और बाएं घुटने पे रख लिया बीच में, तो ये हो गया ध्यान मुद्रा में बायां हथेली, और दाहिना हथेली हो गया वायु मुद्रा में। अब पूरे हथेली को अपने नाक की तरफ घुमा लीजिए ऐसे, बायां हथेली घुटना पर और दाहिना हथेली का दाहिना अंगूठा दाएं नाक पे रखना है। बाएं नाक से धीरे धीरे सांस भरिए। सांस जब भर जाए तो बाएं नासिका को बीच की दो अंगुली से बंद कर लीजिए ऐसे, और दाहिने अंगूठा को हटाकर धीरे धीरे सांस को छोड़िए। फिर दाहिने नाक से धीरे धीरे सांस भरिए, फिर दाहिने नासिका को बंद करिए और बाएं नाक से धीरे धीरे सांस को छोड़िए। फिर बाएं नाक से सांस भरिए, फिर बाएं नासिका को बंद करिए और दाहिने से छोड़िए। अब आंख बंद करके दो मिनट अभ्यास कर लीजिए। आंख बंद करिए, बाएं से लेना, दाहिने से छोड़ना, दाहिने से लेना और बाएं से छोड़ना। बाएं नासिका को चंद्रस्वर कहते हैं, दाहिने नासिका को सूर्यस्वर। बाएं नासिका चंद्रस्वर यानी शीतलता का प्रतीक और दाहिने नासिका सूर्यस्वर यानी गर्मी का प्रतीक। जब हम बाएं नासिका और दाएं नासिका से बार बार प्राण वायु को अंदर और बाहर करते हैं तो हमारे भीतर ओज तेज का निर्माण होता है। बाएं नासिका से जब सांस भरते हैं तो दिमाग का दाहिना हिस्सा संतुलित होता है। जब दाएं नासिका से सांस भरते हैं तो दिमाग का बायां हिस्सा संतुलित हो जाता है।
सांस भरते रहिए। बाएं नासिका को इड़ा, दाहिने को पिंगला, यानी इड़ा और पिंगला के माध्यम से जब सांस बार बार भरते छोड़ते हैं तो मेरुदंड में अवस्थित सुषुम्ना नाड़ी जागृत होने से हमारे भीतर अष्ट चक्रों का जागरण होता है, मूलाधार चक्रों से लेकर के सहस्रार चक्रों तक। और जिस व्यक्ति के अंदर अष्ट चक्रों का जागरण होने लगे उस व्यक्ति के अंदर सांस धीरे धीरे भरिए। जब वह किसी माँ बहन को देखे तो उसमें अपनी माँ और बहन दिखाई पड़े तो समझिए कि हमारे भीतर योग का प्रभाव प्रारंभ हो गया, हमारे भीतर कृष्ण और राम का प्रभाव चालू हो गया, नहीं तो हमारे भीतर रावण और कंस का भाव बढ़ने लगता है और हम देखने में आदमी जैसा लगते हैं, काम करते हैं राक्षसों जैसा, काम करते हैं दैत्यों जैसा। सांस भरिए, सांस को छोड़िए और ये जब अनुलोम विलोम 5 मिनट से 15 मिनट करेंगे, खास करके जो मानसिक काम करने वाले व्यक्ति हैं, छात्र हैं या हमारे गुरुजी हैं, वैसा जब 15 मिनट अभ्यास करेंगे तो दिमाग शांत हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है, हृदय विराट हो जाता है और वह व्यक्ति संकीर्णता से विराटता की तरफ धीरे धीरे सांस भरते रहिए छोड़ते रहिए। धीरे धीरे सांस भरिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए। जब सांस को आप भरते हैं तो ऐसा संकल्प लीजिए कि दुनिया का ऊर्ज तेज सुख शांति समृद्धि हमारे भीतर प्रवेश कर रहा है और जब सांस को छोड़िए तो ऐसा लगे कि मेरे भीतर के सारी बीमारियां हमसे दूर हो रही हैं, हमारे भीतर का गलत चीज दूर हो रहा है। अब धीरे धीरे हाथों को नीचे करिए और आंख को धीरे धीरे खोलिए। कैसा लग रहा है मन? कुछ हल्का हल्का लग रहा है। अब इससे क्या फायदा होगा वो बता देते हैं। बोलिए मेरे साथ, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन की बीमारी जिसको हम लोग अधकपारी भी कहते हैं, सर दर्द करता है, तनाव की बीमारी, अनिद्रा की बीमारी, कैंसर की बीमारी, लकवा की बीमारी, अनिद्रा की बीमारी, जो अवसाद में चले जाते हैं, जो ना कभी कभी पंखा से लटक जाता है, रेल से कट जाता है, जहर खा लेता है, ऐसा काम करते हैं कि नहीं करते हम लोग? तो ऐसा जो काम करता है, जो नकारात्मक प्रवृत्तियों में अपने आप को बहा ले जाता है, उसके अंदर ऐसा अभ्यास करने से हमेशा सकारात्मक प्रभाव जागृत अवस्था में रहते हैं और वह व्यक्ति चाहे कितना भी संकटों में रहे, चाहे कितना भी विषम परिस्थितियों में भी रहे, वह हमेशा जागृत अवस्था में रहता है और अपने जीव को, अपने शरीर को हमेशा दूसरों के लिए समर्पित करता रहता है।